Hello students, today we'll do some experiments with water. We'll try to find out what are the different things which float in water and what are the different things which sink in water. And after doing experiment, I'll tell you why do some things float in water and why do some things sink in water. And I'm doing this experiment with the things which are available at my home. You can also do this experiment with the things which are available at your home. So let's start. So, here's a jar and there's water inside this jar. You can see water level here. And I have some things. I'll put those things one by one inside this water jar. So, first of all, here's a stone. I'll put this stone inside water and see what happens. Okay, this stone, it sank in water. Now, I have a coin. Let's see what happens with this coin. This coin also sank in water. Now I have a medicine wrapper and you can see here's some empty space in this wrapper. Let's put this wrapper inside water and see what happens. This wrapper, it is floating in water. But this wrapper had some empty space. Let's fill that space with water and see what happens. Okay, after filling empty space with water, this medicine wrapper also sank in water. Now I have a key ring with some keys. Let's see what happens with these keys and key ring. Okay, keys completely sank in water. But this key ring, it is still floating. It sank partially and it sank partially because of the weight of the keys. Now I have a tomato. Let's see what happens with this tomato. Okay. This tomato, it didn't sink in water. It is still floating. It sank partially. It didn't sink completely. So what do you think? Why did this happen? Stone was very small, but it still sank in water. But this tomato, it was bigger than stone, but it is still floating. Why didn't it sink in water? Why did this happen? Okay, I'll tell you. Sinking and floating of things depends on two things: shape and density. सिंकिंग एंड फ्लोटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? शेप और डेंसिटी के ऊपर किसी भी चीज की. शेप तो आप लोग सभी जानते ही हो, शेप क्या होता है. जैसे आप इसको देख रहे हो, ये इसकी शेप है. वैसे ही डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. अमाउंट ऑफ मैटर क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर क्या? जैसे मॉलिक्यूल्स और एटम से मिला के कोई भी चीज बनी होती है. ऑब्जेक्ट्स विच यू आर सीइंग अराउंड यू, एवरीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. जो हमारे पास आसपास गैस है वो भी मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर ही बनी है. उसको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. उन्हें हम अपने आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते, पर उन्हीं मॉलिक्यूल्स और एटम्स को मिला के ही सब जो भी चीजें हैं वो सारी मिलके बनी होती है. जो सॉलिड चीजें हैं जैसे ये टोमेटो, इनमें क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो ज्यादा टाइटली पैक होते हैं. एक ही ऑब्जेक्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं. और जो लिक्विड होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं. और जो गैस होती है उनमें मॉलिक्यूल्स या एटम बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं और हम गैस को देख भी नहीं पाते हैं. ये तो हो गया कि मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके बनी होती है चीजें. और डेंसिटी डिपेंड करती है कि किसी भी चीज के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या एटम है, यानी कि उसमें जो अंदर चीजें हैं वो ज्यादा टाइटली पैक है या उसमें खाली स्पेस भी है. वो उसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है कि किसी की ज्यादा होगी या कम होगी. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो अपने क्लासरूम और अपने
घर का. इन योर क्लासरूम देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, बट इन योर होम देर आर फोर और फाइव फैमिली मेम्बर्स. बट योर होम इज बिगर देन योर क्लासरूम, बट स्टिल योर क्लासरूम इज मोर डेंस बिकॉज देर आर मोर स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम और मोर पीपल प्रेजेंट इन योर क्लासरूम देन योर होम. सो योर होम इज लेस डेंस एज कम्पेयर टू योर क्लासरूम बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो सेम हैपन्ड विद दिस टोमेटो एंड स्टोन. जब आप इस टोमेटो को कट करेंगे आप देखोगे कि इसके अंदर खाली स्पेस होगा बहुत सारा, लेकिन जब आप एक स्टोन को तोड़ोगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको खाली स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक है, उसमें बिल्कुल भी खाली स्पेस नहीं है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. लेकिन जो ये है इसमें थोड़ा बहुत खाली स्पेस है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू दैट स्टोन. डेंसिटी ज़्यादा होने से वेट भी ज़्यादा ही होता है. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई ऐसे कंटेनर या उसमें बहुत सारे लोगों को हमने भरा हुआ है, वो कंटेनर लोगों से फुल है, अगर उसको हम उठाते हैं उसका वेट करते हैं तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन उस कंटेनर से हम आधे लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उस कंटेनर का वेट करते हैं तो क्या होगा, उसका वेट कम हो जाएगा. जैसे आप बैग का ही एग्जाम्पल ले लो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपके पास भी सेम साइज़ का बैग है और आपके साथ कोई और है उनके पास भी सेम साइज़ का बैग है, लेकिन जो आपका बैग है उसमें सामान कम है, उसमें चीज़ें कम हैं, लेकिन जो आपके साथ है उनके बैग में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वेट क्या होगा, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी जिनके बैग में उसी का वेट ज़्यादा होगा. देखने में दोनों बैग का जो शेप है साइज़ है वो सेम है, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो मटेरियल है वो कम ज़्यादा होने की वजह से उसका वेट भी कम ज़्यादा हो जाता है. तो देखने में तो स्टोन इस टोमेटो से छोटा है, लेकिन क्या है उसमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक है, जिसकी वजह से उसकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग उसका वेट इस टोमेटो से ज़्यादा होगा. अब दूसरी चीज़ है शेप. शेप क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को पानी में डालेंगे, अगर इसको हमने पानी में डाला तो जितना वाटर, जितना ये टोमेटो का शेप है उतना ही वाटर ये टोमेटो डिस्प्लेस करेगा. डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटाएगा. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन जब हम इस टोमेटो को डालते हैं तो क्या वाटर लेवल सेम रहेगा या बढ़ जाएगा वो देखते हैं. जब हमने टोमेटो को डाला तो वाटर लेवल और ऊपर चला गया. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब टोमेटो इसके अंदर गया तो पानी को तो कोई भी जगह नहीं है कि वो बाहर आ जाए, तो वो ऊपर ही जा सकता है. तो इसलिए जितना इस टोमेटो का शेप है और इसका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग ये वाटर को डिस्प्लेस करता है. डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटाता है. तो जितना इसका शेप है उतने वाटर को ये अपनी जगह से हटाएगा, जितने वाटर के कांटेक्ट में आएगा उतने वाटर को ही ये अपनी जगह से हटाएगा. अब जब हम उस वाटर का वेट करेंगे, जितना वाटर इस टोमेटो ने हटाया होगा उस वाटर का अगर हम वेट करेंगे, अगर वो वेट इस टोमेटो के वेट से ज़्यादा है तो टोमेटो वाटर में फ्लोट करेगा, लेकिन अगर वो वेट इस टोमेटो के वेट से कम है तो टोमेटो सिंक करेगा. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से जब हम इसको अंदर डाल रहे हैं तो इससे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, लेकिन वैसे ही जब फोर्स नीचे लग रही है पानी भी तो ऊपर आ रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, क्योंकि उसके पास तो जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ये कंटेनर तो कहीं से फटा हुआ नहीं है कि उससे पानी बाहर आ जाएगा, तो ऊपर ही जाएगा. तो जब आपने इसमें टोमेटो को पानी में डाला तो इसे एक डाउनवर्ड फोर्स लगी, उस डाउनवर्ड फोर्स से ये टोमेटो नीचे की तरफ जाएगा, जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके वेट की वजह से है. लेकिन वैसे ही एक अपवर्ड फोर्स लग रही है क्योंकि पानी तो ऊपर आ रहा है, जो टोमेटो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना इस टोमेटो का शेप है उतना पानी इसने अपनी जगह से हटाया, उतना पानी ऊपर की तरफ जा रहा है. तो जब पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो एक अपवर्ड फोर्स भी लगती है, जिसे हम बोयंट फोर्स भी बोलते हैं या बोयंसी बोलते हैं. तो बोयंसी की वजह से क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उसको हम बोयंसी भी बोलते हैं. तो उस अपवर्ड फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है.
तो अगर वो फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट हमने पानी में डाला होगा वो उसमें फ्लोट करेगा। लेकिन अगर जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स से कम है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसमें सिंक करेगा। जैसे जब हमने स्टोन डाला तो स्टोन का जितना शेप था, जितना साइज था, उतना ही वाटर इसने डिस्प्लेस किया। मान लो इसका इतना साइज था, तो इतना साइज में जितना वाटर आया उतना वाटर इसने डिस्प्लेस किया। तो जो वाटर का वेट होगा वो वेट अगर स्टोन के वेट से ज्यादा है तो स्टोन फ्लोट करता। लेकिन वो क्या था, वाटर का जो इतने वाटर का वेट था वो स्टोन के वेट से कम था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टोन उसमें सिंक हो गया, वो फ्लोट नहीं किया। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो वाटर की डेंसिटी थी वो स्टोन की डेंसिटी से कम थी। लेकिन ऐसा टोमेटो के केस में नहीं है। जितना इस टोमेटो का साइज है उतना ही अगर हम वाटर लेंगे तो उस वाटर की डेंसिटी टोमेटो की डेंसिटी से ज्यादा होगी, या उस वाटर का वेट टोमेटो के वेट से ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से टोमेटो इसमें फ्लोट कर रहा है, ये सिंक नहीं किया। तो कोई भी चीज सिंक या फ्लोट करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके शेप और उसकी डेंसिटी के ऊपर। जितना उसका शेप होगा उतने ही वाटर को वो अपनी जगह से हटाएगा, और जितने वाटर को हटाएगा जब हम उसके डेंसिटी को देखते हैं, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मींस जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगा। क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, वेट की वजह से उसकी जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, तो जो वाटर की अपवर्ड फोर्स होगी वो कम रह जाएगी, तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे सिंक करेगा। लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट हमने वाटर में डाला है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है तो क्या होगा, उसकी जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो फोर्स होगी वो कम होगी, और जो फिर वाटर की अपवर्ड फोर्स होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो चीज उसमें फ्लोट करेगी। तो जैसे हमने पहले मेडिसिन रैपर को डाला था, जो मेडिसिन रैपर था इसको हमने पहले डाला तो ये क्या था, इसमें पहले खाली स्पेस था, खाली स्पेस की वजह से इसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी। इसकी शेप तो उतनी ही थी, शेप तो पहले भी सेम थी, बाद में भी शेप सेम थी, शेप में तो कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उसमें पहले खाली स्पेस था, खाली स्पेस की वजह से क्या था, उसकी डेंसिटी कम थी। लेकिन जब उस खाली स्पेस में हमने वाटर भर दिया तो वाटर भरने से क्या हुआ, वो जो खाली स्पेस उसमें था वो भर गया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसकी शेप थी उस शेप के अकॉर्डिंग उसमें डेंसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो पानी में सिंक हो गया। ऐसा ही एग्जाम्पल आप डेली देखते होगे अपनी लाइफ में। जैसे कोई बकेट है, बकेट वाटर से फुल होती है, जब आप उसमें जग रखते हो, जब तक जग में पानी नहीं भरता है, जग जब तक खाली होता है उस बकेट में फ्लोट करता रहता है, लेकिन जैसे ही उस जग में पानी भर जाता है तो वो सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शेप थी उसकी शेप के अकॉर्डिंग ही वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। जब तक वो जग खाली था तब तक उसके शेप के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी कम थी, तो उसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा था। लेकिन जैसे उसके अंदर पानी भर गया उसकी शेप के अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई वाटर की वजह से, और वो पानी में सिंक हो गया। आप अपने लाइफ में डेली ये जो अपवर्ड फोर्स है या डाउनवर्ड फोर्स है ऐसे फील करते होंगे। जैसे कभी आप पानी में से कोई चीज बाहर निकालते हो तो जब तक वो चीज पानी के अंदर होती है आपको वो चीज बहुत ही हल्की फील होती है, उसका जो वेट होता है वो आपको बहुत ही कम लगता है। लेकिन जैसे ही वो चीज पानी के बाहर आ जाती है आपको उसका वेट ज्यादा लगता है। वो सब क्यों होता है, पानी की अपवर्ड फोर्स की वजह से ही, या बोयंट फोर्स की वजह से ही। तो ये जो बोयंट फोर्स है या अपवर्ड फोर्स है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। और ये जो अपवर्ड फोर्स है ये डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की शेप एंड डेंसिटी के ऊपर। शेप मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और उसकी डेंसिटी मतलब अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सो द सिंकिंग एंड फ्लोटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप एंड इट्स डेंसिटी। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर। बट इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देन दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर।
यू विल ऑल्सो डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम बट यूज थिंग्स विच आर अवेलेबल एट योर होम यू विल नॉट गो आउटसाइड टू बाय एनीथिंग फॉर एक्सपेरिमेंट दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ.